कनाडा ने स्टूडेंट्स का वर्क परमिट एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था, लेकिन अब इस पे एक अपडेट आई है। तो स्टूडेंट्स को कनाडा ने 2 साल का एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। जी हां, मार्क मिलर ने एक लेटर लिखा है मैनिटोबा के मिनिस्टर को। उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट वहां पे इस टाइम पे जिनका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, तो हम उनको 2 साल की एक्सटेंशन देने का फैसला करते हैं। तो इससे जो लोग सड़कों पे उतरे हुए थे उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये लेटर क्यों लिखा गया, कैसे एक्सटेंशन मिलेगी और क्या ये सारा मुद्दा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही गुड न्यूज वाली वीडियो देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इस बड़ी न्यूज की। 6700 वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वर्कर हैं जो मैनिटोबा में काम कर रहे हैं, जिनका वर्क परमिट या तो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी कि अगर ड्रॉ टाइम पे नहीं आता है, उनका स्टेटस एक्सपायर हो गया, तो उनको कनाडा छोड़ना पड़ सकता है। इसको लेकर वो प्रोटेस्ट करने लगे थे, सड़कों पे उतरे थे। तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं पे मैनिटोबा की गवर्नमेंट पे पड़ा। तो उनके जो मिनिस्टर मलाया मार्सलिनो है, उनकी तरफ से इमिग्रेशन को एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत से ऐसे वर्कर हैं जिनका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, पीएनपी का ड्रॉ बैकलॉग के कारण बहुत ज्यादा लेट है, तो इनको कोई ना कोई रिलीफ दी जाए। उसके अगेंस्ट या उसकी रिप्लाई में मार्क मिलर की तरफ से लेटर लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा यह बहुत बड़ी और गुड न्यूज है कि 2 साल तक की एक्सटेंशन हम इन लोगों को देने जा रहे हैं। जी हां, क्योंकि एक्सटेंशन कनाडा ऑलरेडी खत्म कर चुका था। जितने भी स्टूडेंट्स का जो वर्क परमिट एक्सटेंड होना था वो उन्होंने कह दिया था कि इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन इस केस में उन्होंने एक्सेप्शन देखते हुए ये कहा था कि हम इनको 2 साल की एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। हालांकि जो मैनिटोबा के मिनिस्टर है उन्होंने अपने लेटर में 3 साल तक का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन मार्क मिलर ने यह कहा कि हम अपनी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इस चीज की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैनिटोबा में जो ये वर्कर हैं वो वहां पे बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं जिन ऑक्यूपेशंस में लेबर की कमी है, जिसके कारण मैनिटोबा का जो लेबर फोर्स है अगर इनका इनको वापस जाना पड़ता है तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हम एक्सेप्शनल केसेस में 2 साल की एक्सटेंशन ये दे रहे हैं और ये जो है वन टाइम फैसिलिटेशन होगा क्योंकि इसके बाद ये नहीं होगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि होप्सो के 2 सालों के अंदर अंदर जिन लोगों की फाइल्स पीएनपी में लगी हुई है उनको पीआर मिल जाएगी, जिसके कारण उनको देश छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैनिटोबा गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इन लोगों को रिलीफ देने के लिए थोड़े दिन पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी कि अगर आपका जो है वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है 45 डेज के अंदर अंदर आप हमें अपडेट दीजिए, हमें आप नोटिस दीजिए, आपकी फाइल को हम जो है वो प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी पे प्रोसेस करेंगे। तो ये उनकी तरफ से ऑलरेडी जो है अनाउंसमेंट हो चुका था। साथ में मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दिया, आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। मैनिटोबा इज इन अ ग्रेट पोजिशन टू मीट द ड्रीम्स ऑफ सो मेनी दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग इन अवर कम्युनिटी इन हेल्थ केयर कंस्ट्रक्शन एंड इन अवर रेस्टोरेंट्स। दे स्टडीड इन मैनिटोबा, वर्कड इन मैनिटोबा, दे शुड बी एंटाइटल्ड टू लिव इन मैनिटोबा। इसका मतलब ये है कि मैनिटोबा की गवर्नमेंट उन लोगों की जो वर्क हार्ड है उसको रिस्पेक्ट करती है और हम ये चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टडी की है और वो यहाँ पे रहने के हकदार हैं। बड़ी बात है, रहने के हकदार हैं। तो इसके चलते बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो सबको मिली है। जितने भी एप्लीकेंट जिनका इस टाइम पे एक्सपायर स्टेटस जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उनको जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होगी वो आने दिल वाले दिनों में जो है अनाउंस कर दी जाएंगी। क्या आपको फॉर्म फिल करना होगा, कैसे आपको जो है वो लेटर मिलेगा, जो भी इसके रिगार्डिंग है, तो आप अपडेट रहिए उसके रिगार्डिंग। मैं भी वीडियो बना दूंगा कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसा प्रोसेस रहेगा उस 2 साल को एक्सटेंशन को लेने के लिए। मैनिटोबा में जब हम पीआर अप्लाई करते हैं तो उसमें कई फैक्टर देखे जाते हैं। जॉब ऑफर आपके पास है, लैंग्वेजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन, फैमिली टाइज अगर मैनिटोबा में आपकी है, तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपकी पीआर होती है। लेकिन इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि जब हम कहते हैं कि कनाडा का पीआर मुश्किल हो गया है, वहीं पर कनाडा की फेडरल
फेडरल गवर्नमेंट और मैनिटोबा गवर्नमेंट खास करके उन्होंने कहा है, अब दोबारा से फिर अनाउंस किया है कि जो भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो एलिजिबल हैं तो उनका राइट बनता है कि वो यहाँ पे पीआर हो सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, ताकि लोगों तक ये पीआर की न्यूज़ पहुँच सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।